आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 8। चैप्टर 7 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया, तब इसका मॉडल सेट हम दे देंगे। चैप्टर 7 का मॉडल सेट हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको पता है कि ये स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद हम मॉडल सेट देते हैं। तो चैप्टर 7 तक, चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया, और चैप्टर 6 तक यानी चैप्टर 6 तक हमने मॉडल सेट भी दे दिया है। अब चैप्टर 7 का मॉडल सेट बाकी है, तो वो भी हम जल्द ही मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, क्योंकि चैप्टर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर 7 का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जिसका लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको चैप्टर 6 तक पहले ही उसमें भेज चुके हैं। चैप्टर 6 तक मॉडल सेट अगर देखना चाहते हैं तो पहले उस टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुके हैं, और इससे पहले वाला भाग यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर जो चैप्टर 7 नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 का मॉडल सेट जल्द ही हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। ये चैप्टर 8 है, इससे पहले हम चैप्टर 7 में ये बताते हैं कि इससे 9 चैप्टर 9 डायरेक्ट पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये सीधा सीधा पढ़ते चलते, चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 पढ़ेंगे और उसके बाद मौर्य वंश आपको अच्छा तरह समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा, इसीलिए चैप्टर 8 ही अभी शुरू किए हैं। अब देखिए चैप्टर 8 क्या है, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए भारत पर मध्यकालीन दौर में भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम कब, प्राचीन भारत की, यानी कि प्राचीन भारत के समय भारत पर कौन कौन विदेशी आक्रमण हुए। तो मुख्य रूप से दो ही विदेशी आक्रमण माना जाता है, दो को विदेशी आक्रमण हुए, एक तो हखमनी या ईरानी जो साम्राज्य था वहां का आक्रमण हुआ, और दूसरा यूनानी। दो को आक्रमण माना जाता है, ध्यान समझिएगा, यहां पर दो आक्रमण, एक था हखमनी, ये वंश का नाम तो ध्यान रखिएगा, हखमनी वंश या ईरानी आक्रमणकारी। एगो तो ये लोग थे और दूसरे थे, अगर दूसरा के हम लोग बात करें तो दूसरा कौन था, दूसरा यूनानी था, यूनानी आक्रमणकारी आक्रमणकारी। देखिएगा नोट में ऐसे ही बनाइएगा, नोट में ऐसे बनाने से बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान समझिएगा, नोट में ऐसे ही बनाना है। अब उसके बाद तो सबसे पहले हखमनी वंश के बारे में, देखिए ये वंश था, देखिए ये वंश मध्य एशिया के तरफ ईरान के तरफ ये उत्पन्न हुआ था, ये जो वंश था ये ईरान वाले क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था हखमनी वंश, और ये हखमनी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय मगध अपने उत्कर्ष मतलब उदय हो रहा था, मगध का, यहाँ पर मगध को उदय बताए, बिम्बिसार राजा था, आजाद शत्रु, ये उदयन, ये सब जब राजा हो रहे थे, उसी समय इस वंश का भी उदय हुआ था। कहाँ पर ये उदय हुआ था, ये ईरान वाले क्षेत्र में। ईरान देखिए, अब भारत में से ईरान कहाँ, भारत वाले क्षेत्र से ईरान कितना दूर है, देखिए भारत का मैप, देखो गलती बन गया, भारत का मैप आप लोगों को बनाना सिखाया है ना सबको, हमें लगता है कि याद ही होगा भारत का मैप कैसे बनाना है। चलिए ज्यादा ये नहीं देखा जाता कि ज्यादा एकदम परफेक्ट की माने, ठीक है इतना बन गया, इतना ही काफी है। चलिए देखिए भारत का मैप आपको पता है, नीचे से भी बनाकर दो बार घुमाकर ऊपर एक बार और नीचे दो बार, ये भारत का मैप बन गया। तो ये जो भारत है यहां से ईरान ये वाला क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा ईरान ये वाला क्षेत्र में, इसको मध्य एशिया वाला क्षेत्र बोलते हैं। ईरान जो है वो मध्य एशिया के क्षेत्र में, यानी जो एशिया महाद्वीप है ना उसके मध्य भाग में, बीचों बीच भाग में कौन है, ईरान है। तो ये ईरान वाले क्षेत्र में ये हखमनी वंश, जो ये वंश था हखमनी, ये ईरान वाले क्षेत्र में हखमनी वंश का उदय हो रहा था। जिस समय यहां पर मगध उदय हो रहा था उस समय हखमनी वंश भी उदय हो रहा था, लेकिन ये आक्रमण कैसे भारत पर कर दी उसके बारे में देखेंगे। ये मध्य एशिया वाला क्षेत्र ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया, इसी को मध्य एशिया कहते हैं। हम लोग उलझे हुए रहते हैं मध्य एशिया वाला क्षेत्र कौन, मध्य एशिया वाला, अरे यही एशिया के बीच वाला क्षेत्र, जैसे हमारे भारत में मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं, बीच में है वो मध्य प्रदेश, इसीलिए उसको मध्य प्रदेश कहते हैं, ठीक है। वैसे ही मध्य एशिया वाला क्षेत्र में ये ईरान है, ईरान में हखमनी वंश उत्पन्न हो रहा था, और हमारे यहाँ शुरू में तो हर एक वंश उत्पन्न हुआ, फिर अलग अलग नए नए वंश, जो शिशुनाग वंश हो गया, हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश हो गया, फिर नंद वंश हो गया, ये सब अलग अलग वंश, फिर मौर्य वंश हो गया, ये अलग अलग वंश उत्पन्न हो रहे थे यहाँ पर हखमनी, और ये अपना साम्राज्य विस्तार करते बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये भारत पर आक्रमण क्यों किए, कोई किसी पर आक्रमण कब करेगा बताइए,
कोई किसी का आक्रमण, ऐसा बात नहीं था कि पहले से भारत से इसका लड़ाई चलता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी कोई दूसरे पर आक्रमण काहे करेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए तो अपने से, इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं, बताइए कोई दूसरा पर आक्रमण काहे करेगा, दुश्मनी नहीं है उससे, दुश्मनी तो है नहीं, पहले से लड़ाई बड़ाई हुआ नहीं है तो काहे कोई आक्रमण करेगा। और एक बात समझिए, कोई भी अधिकतर जो आक्रमण होते थे इधर वाला क्षेत्र से होते थे, पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर का भाग, एक मिनट आपको मैप देखने आता है ना, ये ऊपर वाला भाग को उत्तर माना जाता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब है और बायां हाथ पश्चिम है, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दाहिना हाथ जो है वो पूरब हो गया, बायां हाथ पश्चिम हो गया, ऐसे होगा। तो देखिए ये पूरब मान लेते हैं इसको, और ये पश्चिम भाग, पश्चिम भाग। अब देखिए पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर वाले भाग, यानी यहाँ कोना पर से, यहाँ पर कोना हो गया ना जी, कोने ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से आक्रमण क्यों हो रहे थे, अब ये आक्रमण, ये यूनानी भी घुसे थे यहीं से घुसे थे, ये ईरान वाला भी यहीं से आए थे, कैसे काहे यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, क्या ऐसा बात है, यहाँ पर कुछ चुम्बक उम्बक था हिंच रहा था सबको, नहीं देखिए क्या था, आपको पता है कि ये सब समुद्र है, इधर सब समुद्र है, यहाँ पर पहाड़ी है, ये म्यांमार वाले क्षेत्र में पहाड़ी है, इधर म्यांमार है, आपको पता ही है, इधर हिमालय पर्वत है, कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो जगह कहां से बच रहा है, जगह यहीं से बचेगा ना, देखिए खेत में जब हम पानी करते हैं, आप लोग शायद जो गांव में होंगे उनको पता होगा, खेत में जब पानी भरा जाता है, जब पानी उसमें सिंचाई किया जाता है खेत को, तो खेत का जो बांध होता है टूटता वहीं से है जहां कमजोर होता है, टूटता वहीं से है जहां की क्या होता है कमजोर, जहां ऊंचा ऊंचा बांध बनाएंगे वो टूटेगा, कभी नहीं टूटता, ठीक वैसे ही पहले से ही तो यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है, किस चीज का, पहाड़ का, कौन पहाड़ चढ़कर आएगा इधर आकर आक्रमण करेगा, बताइए, तो नॉर्मल चीज में तो पहाड़ चढ़ा ही नहीं जाता, ये सेना वाले लेकर पहाड़ चढ़ेगा कोई नहीं, हिमालय कौन पार करेगा, अरे हिमालय पर चढ़ा नहीं जाता, हिमालय कौन पार करेगा इतना ऊंचा, 8848 मीटर ऊंचा है, जो कि अब 50 मीटर हो गया, 8850 मीटर अब हो गया, पहले 48 मीटर था, तो कौन आएगा, तो यहीं पर एकदम रास्ता ठीक ठाक था, यहाँ वाला रास्ता ठीक ठाक था, अब ये दर्रा होकर, दर्रा से होकर ये लोग आते थे, यहाँ पर भी हिंदू कुश पर्वत था, ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कि हिंदू कुश पर्वत कहाँ था, तो हिंदू कुश पर्वत जो था ये यहाँ पर था, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछे हिंदू कुश पर्वत यहाँ पर था, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर, अब यहाँ पर भी पर्वत था, लेकिन यहाँ से साइड से जगह था, यहाँ से जाने का, दर्रा से होकर आते, दर्रा समझते क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में ये पहाड़ हो गए, पहाड़ समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये पहाड़ों के बीच में, ये पहाड़ हो गया ना, पहाड़ों के बीच में ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, पहाड़, पहाड़ के बीच में जो धंसा हुआ रास्ता है उसको दर्रा कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दर्रा का मतलब धंसा हुआ जो रास्ता आने जाने के लिए, चाहे वो अपने से धंस गया हो या पानी के कारण वो पहले नदी हो, नदी सूख गया हो तो वो बस दर्रा बन गया है, मतलब आने जाने वाला रास्ता बीच पहाड़ में से आने जाने वाला जो रास्ता वो दर्रा कहलाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो यक्षमणि वंश भारत पर आक्रमण आखिर क्यों किए, इधर आक्रमण क्यों किया, सबसे पहले यही था जो आक्रमण किया था, कारण पहले देख लेते, यही नहीं भारत पर आक्रमण करने का इन लोगों का भी क्या कारण था, दोनों का बात एक ही था, ये इन लोगों का क्या कारण था, पहला पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर भारत की छिन्न भिन्न राजनीति, छिन्न भिन्न राजनीति, इसको मिटा देते हैं, पश्चिमोत्तर भारत की छिन्न भिन्न राजधानी, ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत की छिन्न भिन्न राजनीति, पता ही मध्य एशिया है, छिन्न भिन्न राजनीति, इसको लिखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा, ये आंसर लिखने में काम आएगा, ये आंसर लिखने के समय काम आएगा, इसको लिखते जाइएगा, पश्चिमोत्तर भारत की छिन्न भिन्न राजधानी, अब क्या पश्चिमोत्तर भारत की छिन्न भिन्न राजनीति, राजधानी बोल रहे हैं, राजनीति, राजनीति, अब छिन्न भिन्न राजनीति क्या था, यहां पर था कंधार, यहां पर क्या था, कंधार था, ध्यान रखिए, कंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और यहां पर था कंबोज, यहां पर क्या था, कंबोज, ये दोनों महाजनपद थे, आपको पता ही है दोनों महाजनपद थे, ये कंधार वाले क्षेत्र में ये सब क्षेत्र आता था, यहाँ पर ये इधर पूरा क्षेत्र फैला हुआ था, इन लोगों का पूरा विस्तार क्षेत्र था, मतलब कि अगर किसी को भारत में ऐसे इंट्री करना है, यहीं से भारत का पूरा फैला हुआ था यहाँ तक, अगर इंट्री करना है तो इन दोनों से लड़कर जाना पड़ेगा, इन दोनों से क्या करना पड़ेगा, लड़कर ही जाना पड़ेगा, इन दोनों से बाहरी करके, मतलब ऐसे बिना इन दोनों से लड़े यहाँ पर इंट्री नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्या था, ये दोनों इतने ताकतवर नहीं थे कि किसी से लड़ पाए, और एक बात, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, कंधार और कंबोज जो महाजनपद थे, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, बताइए दो को जब लड़ेगा तो तीसरा आकर एंट्री नहीं कर जाएगा, कर जाएगा, ये देखिए तीसरा आदमी जब एंट्री करने के लिए यही तो जगह ढूंढता है कि दो को कब लड़े कि हम तीसरा एंट्री कर जाए,
ठीक है। ऐसे ही पश्चिमोत्तर भारत में छीन भिन राजनीति थी, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंधार और कंबोज दो महाजनपदों की आपसी संघर्ष चलता रहता था। अब देखिए आपसी संघर्ष का मतलब ये हुआ कि दोनों लड़ाई करते रहते थे हमेशा, समझिए बात। और दोनों में से कोई इतना ताकतवर नहीं था कि ये इस पर जीत हासिल कर रहा है, ये इस पर, कोई एक दूसरे को जीत नहीं पाता था क्योंकि दोनों बराबरी लेवल में खड़े थे। अब दो लोग बराबरी लेवल में खड़े होंगे तो कौन को जीतेगा, नहीं, दोनों बराबरी लेवल में खड़े थे, कभी ये जीता था कभी ये, कभी ये कभी ये, मतलब आपस में लड़ने का, देखिए एगो कमजोर रहता है एगो ताकतवर रहता है तब ना लोग लड़ते हैं। अगर दोनों बराबरी लेवल में रहे तब ना, देखिए कमजोर एगो ताकतवर रहेगा तब ना हार जीत तभी होता है जब एगो कमजोर पड़ता है एगो ताकतवर हो जाता है, बस हार जीत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बात वही था, दोनों बराबरी लेवल में तो कोई हारिए जीत नहीं रहा था, ठीक। तो क्या हुआ, ये आपस में उलझे हुए थे तब तक, इधर से आक्रमणकारी ने देखा कि बढ़िया मौका है, एंट्री कर सकते हैं, तो ये एक कारण था छिन्न भिन्न राजनीति। दूसरा क्या कारण था, सामरिक महत्व या आर्थिक महत्व। पहले आर्थिक महत्व देख लेते हैं, आर्थिक महत्व देखिए, भारत का उस समय आर्थिक महत्व भी था, क्योंकि भारत सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था, आप समझते हैं, भारत को सोने का चिड़िया क्यों, क्योंकि हर तरह की चीज यहाँ पर मिलता था, सब चीज की उपलब्धता थी, पहाड़ भी है, नदी भी है, झरना भी है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे मैदान है, पहाड़ है, पठार है, सब चीज, बहुत मतलब हर एक तरह की फसल होता है और सभी तरह का मौसम भी पाया जाता है, ठंडा गर्मी बरसात, या ये जितने भी ठंडा गर्मी बरसात ये सब, बसंत ऋतु, ये सब मौसम भी पाया जाता है, सब कुछ यहाँ पर है, समझ लीजिए, मतलब अलग अलग चीज के विविधताओं से भरा हुआ ये देश है। विविधता मतलब ये होता है कि अलग अलग चीजों से भरा हुआ ये देश है, इसीलिए इसको भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, मतलब सब चीज, और जंगल यहाँ पर बहुत अधिक थे, जहां पर कीमती लकड़ियां और हाथी मिलते थे और बड़े बड़े और भी जानवर मिलते थे, और यहाँ पर बहुत मतलब बहुत सारे व्यापार होते, जैसे सोने का व्यापार हो गया, चांदी का व्यापार हो गया, ये सब का भी व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक महत्व क्या था यहाँ पर, ये जो कंधार की राजधानी है तक्षशिला था, कंधार की राजधानी तक्षशिला, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या था, तक्षशिला राजधानी था, यहाँ ये व्यापार का सबसे फेमस केंद्र था, यानी यहीं से व्यापार इधर ईरान की तरफ होता था, तो ये जो भी व्यापारी यहाँ से ईरान से जाते थे यहाँ तक्षशिला में इधर व्यापार करते थे, जाकर यहाँ पर बताते थे अपने शासक को कि देखिए वहां पर बहुत धनी लोग हैं, वहां पर सब धनी लोग रहते हैं, वहीं से हम लोग सोना खरीद कर लाते हैं, और भी जो यहाँ शिल्प उद्योग करते थे, कपड़ा खरीद कर लेकर जाते थे कि हम वहां पर ये खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन महंगा पड़ता है वहां से खरीदते हैं, तो ये शासक क्या, शासकों के मन में ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर नियंत्रण कर लेते तो सब हमारा ही हो जाएगा, खरीदना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से व्यापारी जाकर सब बता देते ना कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा बात है, यहाँ वाले लोग तो बहुत धनी हैं, यही सब कुछ है, यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी तरह से कब्जा हो जाए तो ये सब हमारा हो जाएगा। ये कौन सोचते थे, ये जो हकमनी वंश हो गया, ये यूनानी आक्रमणकारी हो गया, सब यही सोचते थे, इसीलिए ये भारत पर आक्रमण किया। आर्थिक महत्व यही था, यहाँ पर तक्षशिला व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था तथा कई प्रकार के व्यापार होते थे, शिल्प वाला हो गया, सोना का व्यापार हो गया, या कपड़ा का व्यापार हो गया, लकड़ियों का व्यापार हो गया, बहुत तरह के व्यापार होते, कई प्रकार के, तक्षशिला व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था तथा कई प्रकार के व्यापार होते थे। ये सब नोट्स में बनाते जाइएगा, समझ लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये सब चीज यहाँ पर पाया जाता था ना, इसीलिए तो ये लोग आक्रमण करना चाहते आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन लोगों को ये बताइए नहीं समझ में आ रहा, कंधार और कंबोज वालों को बताइए नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग लड़ेंगे तो ये सब एंट्री कर जाएगा इधर से तो कोई एंट्री नहीं कर सकता, इसीलिए कभी भी आक्रमण इधर से होता, इधर कहाँ आक्रमण है, कोई इधर भी आक्रमण नहीं करता, इधर भी आक्रमण नहीं, आक्रमण यहीं से होता था। आगे बढ़ते हैं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब देखिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसे होते थे, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसे होता था,
यहाँ हिंदू कुश जो पर्वत था ना, यही जो पर्वत था मध्य एशिया को भारत से यहाँ से अलग करता था। मध्य एशिया ईरान वाले क्षेत्र को, ईरान यूनान वाले जो क्षेत्र थे इसको भारत से अलग करता था हिंदू कुश पर्वत। अगर इन राजाओं का आक्रमण करके इधर अगर अपना जीत हासिल कर लिए तो इन लोगों को ये लगता था कि कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, और यहाँ से जितने भी हथियार है हथियार लेकर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब पूरा नियंत्रण हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए और ये दर्रा के माध्यम से आते थे, ध्यान रखिएगा किसके माध्यम से, दर्रा मतलब पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। इसके माध्यम से हिंदू कुश पर्वत यहीं पर था। तो ये सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था, ये हिंदू कुश पर्वत मध्य एशिया को भारत से अलग करता था। चलिए इतना कुछ समझ लिए, अब ये तो समझ लीजिए इसके कारण समझ लिए कारण क्या था। अब ये देख लेते हैं कि ये हकमानी वंश जो था वो आक्रमण कैसे किया, कौन कौन आक्रमणकारी आए, क्या ये सब पूरा डिटेल में देखते हैं। चलिए ये लिख लिया होंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसके बारे में अब हकमानी वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हकमानी वंश की स्थापना जो था साइरस द्वितीय ने किया था। ये किस क्षेत्र में, ईरान वाले क्षेत्र में साइरस द्वितीय ने इसकी स्थापना किया था। इसकी भी नजर थी कि भारत पर आक्रमण किया जाए, लेकिन ये अब ईरान से डायरेक्ट हवाई जहाज तो नहीं है ना कि एंट्री करके यहाँ पर आक्रमण कर देगा, नहीं कुछ नहीं था उस समय। हवाई जहाज क्या कर रहे, बैलगाड़ी ठीक से चलने के रास्ते नहीं था, हवाई जहाज के तो बातें अलग है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर जो छोटे छोटे राजा हैं इनसे लड़ते हुए ना, मामला फरियाते हुए ना इनका आएंगे, इनसे निपटते हुए ना आएंगे कि आपको रास्ता दे देंगे, हाँ ईरान से जाइए और यहाँ पर आक्रमण कर दीजिए, जाने का रास्ता देंगे, कोई नहीं देगा रास्ता, कुछ हो ना, इन लोगों को सबको हराना पड़ेगा। और एक बात, इसलिए ये लोग हराते थे ना कि इधर सैनिक मदद सबसे मिलता जाएगा, अगर इसको हरा दिए तो इससे बोलेंगे तुमको तुम्हारा राज्य छोड़ देते हैं, तुम्हें सैनिक मदद देना होगा, ये तो ये बोलेंगे ठीक है हम हारे हुए हम आपको सैनिक मदद देंगे, ऐसे ही करके सैनिक मदद देते। लेकिन साइरस द्वितीय ने जब यहां से जीतना शुरू किया तो यहां तक पहुंचते भारत ना पहुंच पाया, तब तक इनका फाइल निपट गया, पहले ही इनका काम खत्म हो गया, साइरस द्वितीय का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद बना डेरियस प्रथम जो था, ये था भारत पर प्रथम, यहाँ पर ये भारत वाले क्षेत्र पर ये कंबोज पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था डेरियस प्रथम। इसको दारा प्रथम भी बोलते, ध्यान रखिएगा दारा प्रथम। इसी ने पहली बार में इधर से आक्रमण करने में सफलता पाई, लेकिन ये भी यहीं तक रह गया सिमट कर कंबोज और कंधार वाले क्षेत्र तक सिमट कर रह गया, यहाँ वाले क्षेत्र को सिर्फ जीत पाया, उससे आगे ये नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य थे, बहुत छोटे छोटे राजा थे, और राजा सबका ये था ना कि कोई अपने से हार मानने वाला नहीं था, राजा के अंदर एक होता ही है कि जब से लड़ेंगे नहीं, जब से खुद से नहीं हारेंगे, हार नहीं मानते थे, तो हर बार इन लोगों को लड़ना पड़ता, लड़ते लड़ते आते आते यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंतिम मतलब यहाँ पर आते थे इनका भी काम खत्म हो गया, जीत तो गया ये कंबोज और कंधार वाला क्षेत्र, लेकिन डेरियस प्रथम का इनका भी काम खत्म, यानी भारत पर आक्रमण करने वाला यही था डेरियस प्रथम ही था, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते, इसका जो पुत्र था उसको काम कार्यभार मिल गया कि ये इधर का आगे बढ़े, लेकिन वो इसकी जितना योग्य नहीं हो पाया और कंधारे कंबोज को नहीं बचा पाया। ये जो डेरियस प्रथम ने कंधार और कंबोज पर आक्रमण करके उस पर सत्ता जमाया था, ये इसका पुत्र उसी को नहीं बचा पाया और सिमट कर और इधर रह गया। इसके बाद इसके पुत्र के बाद इस वंश का इधर से काम खत्म हो गया, क्या हुआ, इतना योग्य नहीं रहा, फिर या वापस आ गया ईरान में, कहां पर आ गया, वापस ईरान में आ गया, इन लोगों का फिर कहानी है इसे खत्म हो गया। यानी हकमानी वंश का बस इतना ही था, ये लोग इतना पर आए यहां तक जीते या फिर वापस क्या हुआ, इसके पुत्र ने उतना योग्य नहीं था तो वापस निकल लिया। अब हम अगला भाग में हम पढ़ेंगे किसी के बारे में, यूनानी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे, अगले भाग में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, यूनानी आक्रमणकारी। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लगता है समझ में आ गया हो।